पति ने बेटों संग मिलकर की पत्नी की हत्या। 10 साल पहले पत्नी प्रेमी संग हो गई थी फरार। पत्नी को पड़ोस में रहते देख पति रहता था आग बबूला। बीती रात पत्नी और उसके प्रेमी का कर दिया काम तमाम। शाहजहांपुर में हुई डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। बीती रात जलालाबाद थाना इलाके में पति ने अपने बेटों के साथ मिलकर न सिर्फ पत्नी को मौत के घाट उतारा बल्कि उसके प्रेमी को भी मार डाला। दरअसल आरोपी ओमपाल कुशवाहा की शादी ममता से करीब 25 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे हैं। करीब 10 साल पहले ममता का गांव के रहने वाले करीबी रमन पाल सिंह यादव से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। तभी ममता अपने पति और 3 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ पानीपत चली गई थी। लॉकडाउन लगने पर दोनों फिर से अपने गांव लौट आए। यहां रमनपाल और ममता अलग रहने लगे। दोनों को एक साथ देखकर पति ओमपाल और बच्चों का खून खौलता था। 2 साल से पत्नी और उसके प्रेमी को देखकर आग बबूला होने वाले ओम प्रकाश ने देर रात खेत पर गए रमनपाल को घेर लिया और अपने बच्चों के साथ मिलकर उसे पीटने लगा। चीख पुकार सुनकर ममता भी वहां आकर प्रेमी को बचाने लगी, लेकिन गुस्साए पति ओमपाल और उनके बच्चों ने ममता और उसके प्रेमी की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद खेत में दोनों शवों को छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। बात यह हो गई था कि मेरे भाई जो थे जो ओमपाल की घरवाली के साथ रहते थे, लॉकडाउन घर पर आ गए, पहले दिल्ली रहते थे और ये लोग इसी बात से दुश्मनी मनाते थे कि मेरी औरत है ये रख रहा है। कौन कौन? ओमपाल, ओमपाल के लड़के, उनके सहयोगी जितने हैं। अच्छा, बहुत सारा। और इतने दिन से हम लोग को मौका नहीं मिला, आज हम लोग घर पे थे नहीं। मेरे बड़े भाई जो है मेरा खेत है वहाँ कर रहा, वहाँ पे सब्जियाँ तोड़ने गए, तब उन्होंने अकेला जान कर उन्हें घेर लिया, तब उनको बचाने उनकी घरवाली जाई, उनको भी मार दिया, उन्हें उनको भी लाठियों से मारा। काहे से मारा? लाठियों से, और कुल्हाड़ी थी हाथ में, किसी हाथ भाला भी था, जिसके हाथ जो कुछ हथियार से थे। कितने लोग थे? करीब 10-12 लोग थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी ने बताया कि 10 साल पहले महिला रमनपाल के साथ चली गई थी। वापस लौटने पर दोनों को एक साथ देखकर पति और बच्चों को गुस्सा आता था। हत्या के पीछे प्रेमी के साथ रहने की वजह सामने आई है। तहरीर मिलते ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं। ये थाना जलालाबाद के अंतर्गत ग्राम डहर में एक घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक मृतका जिसका नाम ममता है, ममता कुशवाहा, और मृतक का नाम रमनपाल राजेश यादव। जो मृतका है उसके पति का नाम ओमपाल है, ओमपाल कुशवाहा, और इसके 3 बेटे हैं। बैकग्राउंड में यह है कि जो मृतका है वो रमनपाल राजेश के साथ इसके संबंध थे और 2 साल से उसी के साथ रह रहे थे, उसी गांव के आउटस्कर्ट्स थे, और इसी में इनके बेटों को ये बात नागवार गुजरती थी, लेकिन इसकी शिकायत कहीं उन्होंने नहीं की, क्योंकि ये दोनों ही जब पानीपत में थे काम करते थे उसी समय से इनके ताल्लुकात थे और एक तरह से फैमिली अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उसी के साथ रहेंगे, लेकिन इनके बेटों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और इसी कारण से आज ये घटना कारित की गई, जिसमें ममता को ममता स्ट्रैंगुलेट किया गया है क्योंकि उसके शरीर पर और भी जंगला छूट गई थी, और जो मृतक है रमनपाल राजेश उसके हेरिंजरी है और गाँव पे सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर्याप्त पुलिस बल गाँव में कैंप कराया गया है। मेरे एसपी आगे था और डी सी ओ तिलहर जो कि आज सी जलालाबाद स्टेशन उनके द्वारा और एसएचओ जलालाबाद द्वारा मौके का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि जो इसके अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैली है जिसके चलते गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।